knowledge for decorative school English medium. Admission are open from nursery to 6th standard. Sai mobile MI store, all MI mobile available here. BK News में आपका स्वागत है. मैं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं BK News. कर्नाटका स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन भालकी यूनिट की ओर से प्रेस डे प्रोग्राम हुसैनी मस्जिद फंक्शन हॉल बस स्टैंड भालकी में मनाया गया. इस मौके पर उर्दू रिपोर्टर्स ने कनाडा रिपोर्टर्स को इनवाइट करके उन्हें सम्मानित किया. उदयवाणी कनाडा रिपोर्टर जे राज धाबशेट्टी ने बताया कि उर्दू रिपोर्टर्स ने कनाडा वालों को सम्मानित किया. ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा. मोहम्मद यूसुफ बिदरी जनरल सेक्रेटरी ने अपने बयान में उर्दू सहाफत की तारीख बताई और कहा कि उर्दू सहाफत का आगाज़ जाम जहानुमा अखबार से हुआ जो कोलकाता से निकलता था. इस अखबार के मालिक हरिदत्त थे. उर्दू सहाफत का आगाज़ हिंदू दानिश्वरों ने किया जब मुसलमानों की जबान फारसी थी. आज़ादी तक भी हिंदू लोग उर्दू ज़बान से वाबस्ता थे. इसके बाद मुल्क की सियासत ने हिंदू और मुसलमानों को हिंदी और उर्दू ज़बानों में बांट दिया और एक दूसरे से दूर कर दिया. और ये भी बताया कि सहाफ़ियों को वो सहूलत नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए, जैसे कि एक्रेडिएशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, बस पास और मकान. इसलिए कनाडा और उर्दू सहाफ़ियों का साथ बहुत ज़रूरी है. हम कनाडा के मोहताज और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो हमारा एरिया इलाका हैदराबाद कर्नाटक है, इसमें खास तौर पे उर्दू बोलने वाले कन्नड़ नहीं जानते. आप उनको मजबूरी समझिए, उसे जिद नहीं है. लोग कन्नड़ भी बोलना चाहते हैं. जितना हम कन्नड़ पढ़ेंगे, कन्नड़ जानेंगे, हमको और फायदा होगा कि हम किसी ऑफिस में जाएंगे, ऑफिसर से बात करेंगे तो उन्हें रिप्लाई तो देगा, सीधा देगा. अगर वही हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो रिप्लाई सही नहीं देता, सही इंफॉर्मेशन सब तक आती नहीं. तो जो उर्दू बोलने वाले हैं उनकी मजबूरी को समझिए आप. वो जिद पे अड़े नहीं है कि हम उर्दू ही बोलेंगे, हमको यही करना है वगैरह. तो हुकूमत हमको जो राहत देना है वो नहीं दे रही. उर्दू अब हमको 24-24 साल से, 22-22 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इनको एक्रेडिशन कार्ड नहीं मिलता. और आप इसके लिए एक्रेडिशन कार्ड के लिए, बस पास के लिए, हेल्थ के जीवन में कुछ उसके हेल्थ कार्ड के लिए या दूसरी सहूलतों के लिए, जब तक कन्नड़ा वाले ये नहीं बोलेंगे कि नहीं उर्दू वालों को भी चाहिए, तब तक नहीं होगा. विश्व भारत के एडिटर विजय कुमार ने बात करते हुए बताया कि सहाफ़ी की जेब खाली होती है लेकिन इसका मर्तबा बड़ा होता है. इस मर्तबे की लाज रखना सहाफ़ी का काम होता है. चंद्रकांत पाटिल एडिटर दृष्टि भालकी ने बताया कि मीडिया वालों को बस पास और रेल पास मिलना चाहिए. पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा क्योंकि मीडिया वाले हुकूमत से रुजू नहीं होते. और आखिर में कनाडा सहाफ़ियों ने इनकी तरफ से किए गए इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया. इस प्रोग्राम में सैयद यादुल्ला हुसैन, कर्नाटका स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट बीदर, अशोक राजोले प्रेसिडेंट भालकी प्रेस, सलीमुद्दीन चौधरी प्रेसिडेंट काली मस्जिद, अब्दुल सलीम एक्स काउंसलर ईदगाह प्रेसिडेंट भालकी, नसीरुद्दीन जहीराबाद, मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी, मोहम्मद नबी, जे राज धाबशेट्टी और बीदर यादगीर भालकी और बसवकल्याण से आने वाले सहाफ़ियों को सम्मान किया.